नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक शेयर करने जा रही हूं कि कैसे आप अपने डार्क सर्कल्स को छिपा सकते हैं, वो भी सिर्फ दो ही चीजों की हेल्प से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ले रही हूं एलिमेंट्स वेलनेस की ये अंडर आई जेल या क्रीम, जो भी आप कहें। जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है आईज पर, मैं वहाँ इसे अच्छे से लगा लूँगी। आपने इसे अच्छे से लगा लेना है, ताकि आप जो भी इसके बाद प्रोडक्ट लगाएं वो अच्छे से इसमें स्मच हो जाए और अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। तो आपके पास जो भी अंडर आई जेल आप लगाते हैं रूटीन में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिपस्टिक, ये ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपने भी ऑरेंज कलर की ही लिपस्टिक लेनी है, और जो भी ब्रांड आपके पास हो, जो भी ब्रांड की आपके पास लिपस्टिक हो, वो आप ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा लेकर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक को अपने आईज पर लगा लूँगी, जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। और इसे टैप टैप करते हुए लगाना है आपने, अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से इसे लगा लीजिए। और आपने इनर कॉर्नर तक लेके जाना है और आउटर वी तक आईज के, अच्छे से इसे लगा लीजिए। तो देखिए, मैंने अच्छे से लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा टैप टैप करते हुए, एक्स्ट्रा जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वो मैं क्लीन कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने इसे स्क्रैच नहीं करना है, अदरवाइज ये बहुत ही बेकार लगेगा। तो आपने बस हल्का सा इसे क्लीन कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से जो भी एक्स्ट्रा हो वो प्रोडक्ट निकाल देना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक का कंसीलर, और आपके पास जो भी कंसीलर हो, जिस भी ब्रांड का हो, वो आप ले सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से। और मैं यहाँ पर मैक का कंसीलर ले रही हूँ, इसे भी मैं हल्के हाथों से, जहाँ मैंने अपना पहले वाले प्रोडक्ट लगाए हैं वहाँ पर मैं इसे टैप टैप करते हुए, डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से लगा लूँगी। और ध्यान रहे, इसे भी आपने स्क्रैच नहीं करना है, अदरवाइज़ ये स्मच होके प्रोडक्ट हमारा बेकार लगेगा और लाइन्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो वो बेकार लगता है। तो ये देखिए, मैंने कंसीलर लगा लिया है अच्छे से, और इसे भी मैं अब एक टिश्यू पेपर की हेल्प से एक्स्ट्रा क्लीन कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपने, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेस करते हुए लगाना है आपने इस तरीके से। आपके पास जो भी हो, लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर, उसकी हेल्प से आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ये देखिए, आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों आईज़ में। आई होप कि आपको कैमरा में साफ दिख रहा हो। अब मैं अपनी दूसरी आईज़ पर भी कंसीलर लगाकर दिखाती हूँ, तब शायद आप फ़र्क अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं अपनी दूसरी आईज़ पर सिर्फ कंसीलर लगा रही हूँ, लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे से लगा लूँगी, इसे भी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। तब आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों आईज़ में, कि इस वाली आईज़ पर मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी और इस वाली आईज़ पर लगाई थी, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि ये आईज़ ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही है, ज़्यादा ओपन अप लग रही है, और डार्क सर्कल भी इसने अच्छे से कवर किए हैं, अच्छे से हाइड कर दिए हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है गाइस, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और इसे आप जिस तरीके से मैंने बताया सिर्फ उस तरीके से कीजिएगा, तो आपके डार्क सर्कल अच्छे से कवर हो जाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो देखा अपने फ्रेंड्स, कितना इजी होता है अपने डार्क सर्कल्स को छिपाना, वो भी सिर्फ इन दो चीज़ों की हेल्प से। तो आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।